दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, छात्रों के टूटे हुए सपनों में जान भर दिए। जय दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन भर्ती 2018 के संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आरआरबी ने। जय दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिए। बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी सरकारी नौकरी की अपडेट और रेलवे की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इस चैनल के माध्यम से आप तक लगातार रेलवे भर्ती संबंधित अपडेट पहुंचती रहती है, तो फटाफट से आप चैनल के साथ जुड़ जाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आपको एक सवाल का जवाब देते जाना है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? आपकी स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें से एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप करके भेज देना और बन जाना है स्मार्ट व्यक्ति। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आरआरबी ने आप सभी को एक बार फिर से मौका दिया है, आपको इसे गंवाना नहीं है। या दोस्तों आरआरबी ने इंपॉर्टेंट नोटिस जारी कर दिया, अगर आपने आवेदन किया रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के पदों के लिए तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग। या दोस्तों अगर आपका आवेदन किसी कारण जैसे कि इनवैलिड फोटो के कारण आपका आवेदन रिजेक्ट किया गया है तो आप उसमें सुधार करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी तो एलपीओ टेक्नीशियन की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है और जल्द ही ग्रुप डी की भी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। जैसा कि 86 लाख आवेदन रिजेक्ट किए गए और इसमें से ज़्यादा फॉर्म इनवैलिड फोटो के कारण रिजेक्ट किए गए, तो इस नोटिफिकेशन में वही बताया गया है कि एलपी टेक्नीशियन की जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुकी है, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो 20 जुलाई 2018 तक। या दोस्तों अगर आप लॉगिन करते हो अपने फॉर्म को तो अगर आपका फॉर्म में ये स्टेटस आ रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड फोटो तो आप उसमें रीअपलोड कर सकते हो। आपको अपना फोटो रीअपलोड करना है, जो साइज है 15 KB to 40 KB और फाइल फॉर्मेट है JPG या JPEG में, और आपको क्या करना है 35 mm x 45 mm की फोटो आपको अपलोड करनी है और जो यहाँ पर डेट होनी चाहिए आपने जिस डेट को फोटो खिंचवाई वो डेट यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए और आपको जल्दी से ये काम तुरंत करवा लीजिए ताकि आप एग्जाम से बाहर ना हो सके, आप एग्जाम दे पाए और सिलेक्शन ले पाए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी कई अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।